फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। वेलकम टू इन माय चैनल। देखिए, लग रहे ना एकदम टेस्टी बाजार जैसे। आज हम यही बनाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स और पॉइंट्स भी बताऊंगी जिसमें आप भी बाजार जैसे चिली पोटैटो बना सकेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 5 आलू। हमने आलूओं का छिलका अलग कर लिया है। अब हम इन्हें चिली पोटैटो की शेप में काट लेंगे। आप किसी भी शेप और साइज में काट सकते हैं, पर अगर आप पतले और लंबे काटेंगे तो आपके चिली पोटैटो क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। आप ठंडा पानी ही डालें और इसे 15 मिनट के लिए रख दें। इससे भी ये क्रिस्पी बनेंगे क्योंकि आपके आलू कड़क हो जाएंगे। अब 15 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने पानी अलग कर लिया है आलूओं से। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके चिली पोटैटो को क्रिस्पी करता है। तो आप चावल के आटा ना हो आपके घर में तो आप इसकी जगह अरारोट या कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई में तेल और उसमें अपने मिक्स किए हुए आलू डाल देंगे। आप एक साथ ज्यादा ना डालें वरना बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, अच्छे से सिकेंगे नहीं। आप एक टाइम में आपकी कढ़ाई में जितने आए आप उतने ही डालें। अब इन्हें अच्छे से अलट पलट करते रहिए ताकि एक साइड से जले ना। इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक भूने, ये अंदर से अच्छे से पक भी जाएंगे और धीमे धीमे आंच में ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। आपको आंच लो से मीडियम फ्लेम पर रखनी है। ये देखिए, हमने सारे आलू इसी प्रकार भून लिए हैं। अब हम लेंगे उसी कढ़ाई में तेल थोड़ा सा। अब हम उसमें डालेंगे जीरा। जीरे को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। अब हम ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज। हमने प्याज को लंबा लंबा काटा है। प्याज को भी हमें थोड़ी देर भूनना है, हमें इसे ब्राउन भी नहीं करना है, बहुत थोड़ी देर के लिए हमें प्याज को सॉटे करना है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। हमने 4 टमाटरों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, हमारी टमाटो प्यूरी तैयार हो गई थी। अब इसे भी अच्छे से स्टिर कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो आपके घर में हो तो आप जरूर डालिएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर में तेल अलग हो जाएगा इससे। ये देखिए, वाओ, कलर बहुत अच्छा आ रहा है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। अब हम डालेंगे इसमें अपनी कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने लंबा लंबा काटा है, आप भी ऐसे ही काटिए अगर आपको बाजार जैसा टेस्ट चाहिए तो। आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें अपने फ्राइड आलू डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। अगर आपके घर में हो तो आप जरूर डालें, इसे बहुत अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस, ये हमने घर में बनाई है। अगर आपको वीडियो देखना है इसका तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो की रेसिपी देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें केचप। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे चिली पोटैटो एकदम तैयार, वो भी बाजार के स्टाइल में। ये देखिए, अब ये खाने के लिए एकदम तैयार है। आप झटाझट इन्हें बना सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।